जहाँ की एक नागरिकता का मामला है, डी वोटर रेफरेंस नोटिस, आसाम बॉर्डर पुलिस का नोटिस, डिक्लेयर फॉरेनर, एनआरसी, उसमें हमारा संगठन बहुत मजबूती से कर रहा है। दो हज़ार पंद्रह साल से जब सी जी पी शुरू हुआ इधर, तो हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। सी जी पी तरफ से डी वोटर के आदमी और डिक्लेयर फॉरनर जो लोग हो रहा है, एनआरसी में जो आदमी का नाम नहीं आया है, और हमारा काम है सिटीजनशिप को लेकर। हम एनआरसी, डी वोटर, आधार कार्ड को लेकर काम कर रहे हैं। अभी हम सीजेपी के तरफ से डिटेंशन कैंप से रिलीज हुए डिटेनिस के घर पर जाकर उनका डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना, जिन जिन लोगों को न्यू एफटी केस का नोटिस मिल रहा है उन सब के घर जाकर उनका डॉक्यूमेंट कलेक्शन कर रहे हैं। की समस्या, उसके वजह में रास्ते की समस्या बहुत ज्यादा है। ऊपर से कोविड-19 जैसे महामारी समस्या चारों तरफ फैल चुके हैं। एनआरसी शुरू होने के समय हम लोग जितने लोग गरीब आदमी है, कोई लेखा पढ़ा का आदमी नहीं है, एजुकेशन पर्सन नहीं है गांव में, वो लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करने पड़ेगा। हाँ, इधर जब एनआरसी का फॉर्म फिलअप चल रहा था तो सीजीपी की तरफ से हमने एक टीम आया था, और या के जैसे लिटरेसी से थोड़ा पीछे है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ाई कर रही है, उनको लेके हमने सीजीपी की तरफ से ट्रेनिंग किया था। और पूरा ट्रेनिंग करके 3-4 दिन रात में रह के पूरा दिन भर उनका फॉर्म फिलअप करने का काम किया था। हमारा सीजीपी में जितना भी लोग हैं, इतना भी आस्था और विश्वास है, जो एक रुपया नहीं लेके हम लोग काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से ही हम आज ग्राउंड पे या जमीन पे उन लोगों की मदद कर पा रहा है जिन लोगों का पास कोई नहीं है। There is still a lot to do and we cannot do it alone. We are asking for your help to uphold and defend the rights of all Indians.